पीछे जाओ थोड़े से। ले बाबा आपकी बारी, अब आपकी बारी करो। 1 2 3 हेलो बारी, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज चैलेंज करने वाले हैं होटल बार चैलेंज। गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहली बात तो कल के लिए सॉरी, कल व्लॉग नहीं आ पाया। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मतलब व्लॉग तो रेडी था लेकिन मैं बस एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभार होता है ना घर में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, चाहते हुए भी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता। मतलब वही वाली बात है कि हम एक हाउसवाइफ पहले हैं, तो बस फिर उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैं आप लोगों के साथ आज ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, और एक तो मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है, मुझे उनका नाम याद नहीं है लेकिन उन्होंने वो मुझे बाबा जी बोलती हैं। अब अल्लाह जाना मेरा मजाक बनाती हैं या मुझे मतलब मजाक ही बनाती होंगी, ऑब्वियस ही बात है। तो वो मुझे बार बार यही कहती है कि बाबा जी अपना मतलब डाइट प्लान शेयर करो, बाबा जी अपना मतलब रूटीन दिखाओ, एक्सरसाइज दिखाओ। हालाँकि ऐसा कुछ मतलब ये तो है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ या कुछ भी है कि मैं किसी को मतलब टीच करूँ, बट यह उनका प्यार है या कुछ भी। वो अब आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखेंगी तो आप मुझे प्यार में कहती हैं या मेरा मजाक बनाती हैं ये मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल मैं उसे एज अ मतलब मजाक ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बुरा नहीं मानती। मैं बुरा अभी नहीं मान रही हूँ, कभी आप सोचो कि मैं बुरा मान रही हूँ, मैं बुरा नहीं मानती। लेकिन हाँ, मैंने अब शुरू कर दिया है, मतलब बाबा जी ने अब अपनी एक्सरसाइज अपना सब कुछ शुरू कर दिया है, तो बस मैं वो एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ लगे हुए हैं। तो ये कल का है, कल का ये क्लिप है, क्योंकि कल संडे था, आयरा की छुट्टी थी, तो बस मैं एक्सरसाइज कर रही थी और बच्चे मुझे इस तरह से कर रहे थे परेशान। मुझसे ज़्यादा इन लोगों को एक्सरसाइज करने की जल्दी पड़ी थी। मतलब मेरे साथ ना एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब भी मैं मतलब एक्सरसाइज नहीं करती तो मैं डाइट भी नहीं करती, मैं मतलब फुल ऑन, फिर मैं अच्छी खासी मोटी हो जाती हूँ, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर जब मैं करती हूँ तो फिर मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और फिर मैं डाइट भी करती हूँ। तो इस बार तो मेरी आँखें ना खुल नहीं रही थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं जब घर गई थी तब कर रही थी मायके, और उसके बाद अब मुझे 4 महीने हो गए छोड़े हुए सब कुछ। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो वज़न बहुत ज़्यादा दुगनी मतलब रफ्तार से बढ़ता है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो अभी जब हम आगरा गए थे ना अनु के यहाँ, तब पापा जी ने बहुत अच्छे से गाइड किया और समझाया कि नहीं बेटा, फिर ज़्यादा वज़न बढ़ना यानी कि बीमारियों की निशानी है। अभी अच्छा है, शरीर तुम्हारा फ्रेश है, ठीक है, बस मोटापा इसे कम करो, एक्टिव बनो। तो बस तभी से मन में थोड़ा सा आ गया है कि चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, और तब से मैं कोशिश कर भी रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं फुल ऑन जोश में हूँ, और जब तक जोश में हूँ जब तक आप लोगों को दिखाया जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ संडे वाले दिन बस ये एक्सरसाइज होती है कि बस मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे ही कर लें। आयरा भी लगी हुई है और ये लिबा को देखो कुछ समझ में आए या ना, ये देखो अब लेट के करनी, और इतनी क्यूट लग रही थी लिबा ये एक्सरसाइज करती, ये देख। तो मैं ये कहती कि फिर आप ही लोग कर लो, मैं कहाँ करूँ, मेरे लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी है पूरे मैट पर। आयरा को भी मतलब आयरा कहती है जब उसको पसीने आते हैं, मम्मी मेरे पसीने छूट गए। तो फिर बस ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की थी, कि मैं अब बीच बीच में जैसे थोड़ा सा रेस्ट होता ना कुछ सेकंड का, तो मैं इन लोगों को शूट कर रही थी, फिर ये लोग आ जा रहे थे, फिर मैं इन्हें भगा देती थी, फिर मैं कर लेती थी। तो ऐसे ऐसे करके काम किया है, और बस यही चीज़ें रहेंगी अब, और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और डाइट भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में, कि अब मैं क्या खा रही हूँ, कितनी क्वान्टिटी में खा रही हूँ। डाइट से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आप क्वांटिटी क्या ले रहे हो। फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि भाई मुझे ज़ीरो फिगर नहीं करना है, बट ये है कि मैं फ़िट हो जाऊँ। 85 वज़न है तो कम से कम अभी तो 70 का मेरा टारगेट है। तो बस जी, यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम, और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आज आयरा की छुट्टी थी, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो आयरा ने बोला मामा मैं भी पढ़ूंगी, तो मैंने कहा चलो आप भी पढ़ो। और आप लोगों को पता है कि लिबा तो हमेशा ही पढ़ती है, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ लिबा मेरे मतलब जानमाज़ पर आ जाती है, और जैसे जैसे ये देखो जैसे जैसे हम एक्शन करते हैं ना, और लिबा को पता था अब ये नीचे सजदा करेगी तो लिबा सबसे पहले सजदा करने, तो छोटे बच्चे ये देखो इतनी क्यूट लग रही थी। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को शूट करके दिखाया जाए, और
ये चीज़ दिखाने का और कोई नहीं है। वैसे मैं भी यही समझती हूँ कि इबादत हमें अकेले में करनी चाहिए और किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और खैर कुछ लोग तो अब ऐसे आ जाएंगे जो इतनी कमियाँ इसमें भी निकाल देंगे कि आपको इतनी वो पहननी चाहिए थी, इतनी बाजू होनी चाहिए थी, इतना दुपट्टा सही नहीं बनता, इतना आपका ये सही नहीं था। खैर बहरहाल वो तो कहेंगे तो कहते रहें। और ये दिखाने का बस रीज़न ये था कि आप लोग मुझे कुछ भी कहते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब आप मेरे अपनों के बारे में कहते हैं ना तो मुझे फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरे बच्चों के लिए कहते हैं कि बस अपने बच्चों को नाच गाना ही सिखाती हैं, ये नहीं सिखाती वो नहीं सिखाती, तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाती हूँ या मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे बनेंगे, ये सब अल्लाह के ऊपर है। और मैं आप लोगों को नहीं वो करती कि मैं ये करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ, ये सब अल्लाह ही बताएगा। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हों, जो भी होगा अच्छे होंगे बिगड़ेंगे वो सब आप लोगों को यहीं के यहीं पता चल जाएगा। क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि चीज़ें छुपती नहीं हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी की जाती हैं। तो कभी भी किसी के बच्चों को लेके इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, यही इनकी उम्र है, नाचेंगे नहीं गाएंगे नहीं हर चीज़ करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो वही वाली बात है, अभी से इन्हें इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, इनसे इनका बचपन छीन लो, तो मुझसे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। हाँ हम इन्हें अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं जो कि मैं करती हूँ। और अब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो आयरा का खुद का मन हुआ कि चलो मम्मा मैं भी पढ़ती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, इतना जजमेंटल नहीं बनना चाहिए किसी के लिए भी। तो खैर मैं दुआओं में सबके हक में कर देती हूँ दुआ, और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे लिए कीजिए, तो मैं मतलब मुझे नाम याद नहीं रहते आप लोगों को पता है, तो मैं बस यही कहती हूँ कि जितने लोगों ने कहा है और जितने लोगों ने नहीं भी कहा अल्लाह सबके हक में बेहतर करना। तो बस यहाँ पर हमारी नमाज भी हो गई है और आयरा सोचिए कि मम्मा की दुआ कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है और ये कब ख़त्म होगी। बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं, तो बस वो बैठी बैठी बस कैमरे को ही देख रही है। अच्छा मैंने कैमरा चला के मैं फिर अपना नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर आयरा मुझे सलाम कर रही है और मैं उसको माथा चूम रही हूँ। तो आयरा कह रही है मम्मा हमने ऐसे सर पर हाथ रख के तो नमाज़ नहीं पढ़ी। तो मैं उसको बता रही हूँ कि हम नहीं पढ़ते, कुछ कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे हाफिज़ जी। तो बस जी नमाज के बाद खाने का टाइम हो गया था, तो आज खाने में हम खा रहे हैं, मतलब अभी तो मैं बच्चों को खिला रही हूँ, और ये हैं छोले भटूरे। घबराइए मत, मैंने बनाए नहीं हैं, मैंने बाज़ार से मंगाए हैं। मैंने नहीं मंगाए, मतलब पापा ने मंगाए हैं। एक्चुअली छुट्टी वाले दिन आयरा का बड़ा मन होता है और इसको पता नहीं क्या हो जाता है भाई साहब, हर 2 घंटे में भूख लगती है और कुछ ना कुछ अच्छा खाने का वो होता है कि मम्मा बाहर से कुछ मंगा लो, मम्मा मार्केट से कुछ मंगा लो। तो बस फिर मैंने पापा से बोल दिया था कि पापा जी आज का जो लंच है वो बाहर से मंगाइए क्योंकि आयरा का बड़ा मन है। पापा ने कहा ठीक है। तो बस ये छोले भटूरे आ गए और ये देखिए बच्चे कितने मज़े ले लेके खा रहे हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं तो खुद को भी कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर लिबा कॉपी करने में कहाँ पीछे हट जाएंगी भाई, अगर आयरा छोले में लगा लगा के खा रहे हैं तो लिबा को भी तो खाना ही होगा ना। लिबा एक चीज़ नहीं छोड़ती आयरा की कॉपी करने के। तो बस यहाँ पर आयरा पढ़ाई भी कर रही है क्योंकि पढ़ाई का भी वर्कलोड इतना ज़्यादा है, हालांकि फर्स्ट क्लास में है बट आजकल के ना सिलेबस बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। और आप सोचेंगे कि आयरा की बुक का क्या हाल हो रहा है, ये आयरा की बुक का हाल कुछ आयरा भी करती है क्योंकि अभी ये छोटी है तो बच्चे इतनी जल्दी अच्छे से कैरी नहीं कर पाते, और उससे ज़्यादा करती है लिबा की बच्ची, वो कर देती है खराब। तो बस यहाँ पर मैं भी खा रही हूँ और आप सोचेंगे सुबह तो एक्सरसाइज कर रही थी अब ये खा रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं जब भी शुरुआत करती हूँ तो मेरे सामने ऐसी मतलब घड़ी आ जाती है कि फिर मुझे थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, मैं क्या करूँ, मैं बड़ी मजबूर हूँ। कहने का मतलब ये कि अब फिर मेरा भी मन हो रहा था तो मैंने 1.5 ये भटूरा आप लोगों को दिखाया कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, तो बस ये मैंने 1.5 भटूरा ले लिया, मैं इसी से पेट भर लूँगी। और वैसे आप लोगों को पता है कि मैं 2 या 2.5 खा लेती हूँ क्योंकि डाइट मेरी इतनी है, लेकिन अब वो ये कि थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी, बाकी अब खाना तो आया तो मैंने कहा चलो बच्चे खा रहे हैं तो अब मैं भी खा लेती हूँ, क्या अब अकेले के लिए बनाऊँ, आपके जी जो थे नहीं वो बाहर गए हुए थे, तो बस इसीलिए फिर आज हम लोग थोड़ा सा चटोरपन कर रहे हैं। और छोले भटूरे सोसो होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं तो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं, टाइम पास के लिए ठीक है। तो बस अब मैं भी खा लेती हूँ खाना, और आप सोचेंगे कि छोले भटूरे से हटके पूरी सब्ज़ी कहाँ से आ गई, मतलब जब डाइटिंग टूटनी होती है ना तो हर जगह से खाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये नहीं थे लेकिन ये आ गए थे, ये आ गए थे 3 बजे के करीब खाना खाने के लिए, हालांकि मैंने कुछ बनाया भी नहीं था लेकिन फिर ये आ गए थे तो मैंने फटाफट खाना बनाया इनके लिए। तो ये लेकर आए थे ये पूरी सब्ज़ी, वो लंगर होता है ना सबको पता है पूरे घर में कि मुझे लंगर बहुत पसंद है, तो ये ले आए थे। तो फिर मैंने कहा तुम खा लो, तो कह रहे नहीं तुम ही खाओ। तो बस अब मैं ये भी खा रही हूँ और ये इतना टेस्टी था इसे तो मैं मतलब कभी भी नहीं छोड़ सकती, मैं कितनी भी स्ट्रिक्ट डाइट पर होंगी मैं लेकिन ये लंगर वाली पूरी सब्ज़ी नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो जी हो गया था अब शाम का टाइम और मैं पढ़ रही थी असर की नमाज़,
और मैंने अपने सारे काम किचन के सब कंप्लीट कर लिए हैं और बस अब नमाज़ पढ़ के बच्चों को भी आज मैंने उठा लिया है, तो अब बस नमाज़ पढ़ के हम निकलेंगे मम्मी की तरफ। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आजकल आप अपने मायके नहीं जाती, और शायद बहुत सारे लोग तो यू नो मज़े लेने वाले होते हैं, चुटकियाँ लेने वाले होते हैं, तो लोगों को कुछ कुछ अंदाज़ा है कि हमारे घर में जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए और ज़्यादा दूसरे से मतलब वो करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोन दिखा रही हूँ, हमारे यहाँ फ़ोन की हालत देखा करो, ये बच्चों वाला फ़ोन है और इसकी क्या हालत हो रखी है। हाँ, तो मैं बस यही बैक टू द पॉइंट आती हूँ कि काफ़ी लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी के पास नहीं जाती, मैं रोज़ जाती हूँ। बट वही वाली बात है कि मैं पहले भी ज़्यादा शूट नहीं करती थी, आप लोगों को पता है, मैं अब भी ज़्यादा शूट नहीं करती, मुझे वहाँ पर ना अच्छा नहीं लगता और कम ही होता है कि मैं शूट करूँ वहाँ पर, और बाकी मुझे मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना, हर चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर आयरा का बैग लगाना होता है, रोज़ 3 टाइम आयरा का बैग लगता है, एक स्कूल जाने के लिए, एक ट्यूशन जाने के लिए और फिर दादी हाउस जाने के लिए, क्योंकि फिर मैं अपने अकॉर्डिंग इसे वहाँ जाके पढ़ाती भी हूँ और बीच बीच में काम भी चलता रहता है, पढ़ाई भी बच्चे की चलती रहती है, तो बस इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ हर चीज़ को। तो बस यहाँ पर ना आयरा को पता नहीं क्या आदत हो गई कि लिबा को किसी भी बात पर मार देती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दुपट्टा दिखा रही हूँ, ये मम्मी ने दिया था, मम्मी ने कहा था बुरके के साथ ओढ़ लेना, अच्छा लग रहा था, मम्मी लेकर आई थी नया तो मम्मी ने मुझे ही दे दिया, मैं कह रही थी रहने दो, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं तू ले जा, अच्छा लग रहा था, मैं कहा चलो ठीक है। तो बस अब हम हो रहे हैं रेडी और हम पहन रहे हैं अपना बुरका, मतलब मैं इसे अपनी ड्रेस बोलती मैं अपनी पहन रही हूँ ड्रेस, और ये ड्रेस पहन के मैं रोज़ ही जाती हूँ मम्मी के घर। बस इस ड्रेस में थोड़ी सी एक दिक्कत है कि ये मतलब थोड़ा सा फट गया है यहाँ से, मतलब शोल्डर की तरफ से ना थोड़ा सा फट गया, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको सिलवा लूँ, लेकिन वही है कि मैं भूल जाती हूँ। तो ये देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा शोल्डर की तरफ से ये थोड़ा सा फट गया, तो खैर सिलवा लूँगी, हालांकि मुझे तो सिलना नहीं होता, नीचे ही देना होता है, तो नीचे भी उन लोगों के पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, सब बिज़ी चल रहे थे। और हाँ, यहाँ पर ये जो सामने मेरे एसी के ऊपर लगा हुआ ना, इसके लिए काफ़ी लोगों ने मुझे कई बार बोला कि अभी आप इसे चेंज कराओ, ये अच्छा नहीं लगता है, और वॉलपेपर लगाओ या कुछ करो। तो हाँ, मैं भी अब सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या जुगाड़ हो पाता है। तो बस यहाँ हो गए हम रेडी। तो बस यहाँ पर ये दूध की डोलची भी जाती है रोज़ ही, क्योंकि दूध वहीं मम्मी लेकर आती हैं, तो बस वहीं से लाना है, तो लिबा मुझे हाथ में दे रही है। और आज मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों का मूड ठीक है, तो इसलिए मैं शूट कर रही हूँ, वरना ये इतना नाटक करते हैं। ये लिबा की बच्ची, आयरा की बच्ची, ये दोनों ना सो जाते हैं गहरी नींद में, अब गहरी नींद से बच्चे को उठाओगे तो फिर बच्चा तो रोएगा ही, तो फिर ये दोनों रोते पीटते ही जाते हैं। आज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मतलब संडे था, तो फिर बच्चे आराम से, बच्चों की नींद भी पूरी हुई है, ट्यूशन वगैरह कहीं जाना नहीं था, टाइम से सो गए थे, टाइम से उठ गए थे, तो बच्चे हो गए हैं हैप्पी। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि अगर वो टाइम से सो जाए और टाइम से उठ जाए तब तो वो खुश है, और अगर आप उन्हें बीच नींद में से उठाओगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस अब हम लोग भी अपने जीने से उतर रहे हैं और फिर मिलते हैं मम्मी के पास जाके। तो बस जी, हम घर पहुंच गए थे और आज घर में बन रही थी कढ़ी, तो मम्मी ने कढ़ी मतलब पकने रख दी थी, आप लोगों को पता ही है जो पकती है, तो बस मैं फिर गई, मैंने फटाफट से बेसन घोल के और ये पकोड़े, एक्चुअली मैं पकोड़े ये अब आपको अब दिखा रही हूँ, इससे मैं पहले मैंने काफ़ी सारे पकोड़े बना लिए थे मिर्ची के और ये नॉर्मल वाले, वो इसलिए बनाए थे, मुझे नहीं खाने थे, आप कहेंगे कि बहुत अच्छी डाइटिंग कर रही हूँ, नहीं नहीं, मैंने अब शाम को ना एक भी पकौड़ा हाथ नहीं लगाया, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। तो बस मेरे ना कुछ मेहमान आए हुए थे और वो मेरा कर रहे थे इंतज़ार, मेरे नहीं है मतलब परिवार के ये सबके हैं, तो इनके फ्रेंड हैं जिनकी शादी भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो बस उनकी मम्मी और दीदी आई थी, तो बस फिर उनके लिए मैंने नाश्ते में बना दिए थे पकोड़े और मिर्च के, फिर मम्मी ने बोला मिर्च के भी बना दे, तो फिर मैंने मिर्च के भी बना दिए थे, तो अब वो लोग जा चुके हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने कहा क्या मैं किसी को शूट करूं, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। तो बस अब मैं कढ़ी में डालने के लिए ही बना रही थी, तो बस अब ये मैं फटाफट से डाल दूँगी कढ़ी में, और कढ़ी बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। अच्छा, मुझे ना मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी भी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती है, होता है ना अपने हाथ की खा के बंदा बोर हो जाता है कि अपने हाथ का खाना तो खाते ही रहते हैं, अच्छा किसी और के हाथ के खाओ, वैसे भी हमारी मम्मी के हाथ में खाने में स्वाद है, वो नमक मिर्च का भी बनाती है ना, तो वो भी स्वादिष्ट ही होता है। तो बस यहाँ पर अच्छे से पकौड़ियाँ डाल चुकी हैं और ये कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी है, मैं थोड़ी पतली बनाती हूँ, मम्मी थोड़ी गाढ़ी बनाती है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है तड़का, और तड़का सिंपल ही लगाया, बस लाल मिर्च साबुत डाल दिया और जीरा डाल दिया और हींग डाल दिया, तो बस ये 3 चीज़ डाल के मैं लगा देती हूँ तड़का। तो आज मैंने स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था, मैंने बस जस्ट ऐसे ही फ़ोन साइड में रख के और ये मैंने लगा दिया शटैक, और मेरा पता है हाथ भी जल गया आज ना, तो मैं अभी अब बस अपने हाथ को इसी तरह से देख ही रही थी, मैंने कहा है मेरा हाथ कितनी ज़ोर से जल गया,
हुआ, पता निशान भी पड़ गया उसके अंदर ना। तो बस यहाँ पर कहते हैं ना, जब तड़का लगा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि वो जो भी सारी वो होती है ना धुनी जो होती है वो उसी के अंदर रहनी चाहिए, ताकि उससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। तो बस फिर मैंने थोड़ी देर उसे उसमें रखा और फिर जो कढ़ाई में चिपक जाता है तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर मैं ये काम कर रही थी और कहीं और कोई और काम अंजाम हो रहा था, वो क्या था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप लोग ये फाइनल लुक देख लीजिए। यहाँ पर बन के रेडी हो गई है हमारी कड़ी। हरा धनिया घर में ख़त्म हो गया था, वरना हरा धनिया डाल देते तो और भी ज़्यादा यमी लगती, बाकी खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी थी। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे कड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। मैं इसको पता है रख रख के खाती हूँ मैं, मतलब दो दिन कड़ी आराम से रख रख के खा सकती हूँ, बस उसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। और मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ मैं कड़ी बना रही हूँ और वहाँ पर कुछ और चल रहा है। तो ये देखिए, मम्मी ने चने निकाल के रखे हुए थे, बीन बांध के सेटिंग कर रखी थी, और ये लिबा की बच्ची आई और उसने सारे पूरे घर में चने चने कर दिए। मतलब अगर मम्मी कुछ भी इस तरह से धूप में सुखाने के लिए थाली में या छन्ने में रखती है ना, तो ये बच्चे इसी तरह से फेंक देते हैं। तो कई बार होता है ना कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप बड़े सुकून से काम कर रहे होते हो और आप ध्यान भी नहीं देते कि बच्चा आराम से बैठ के क्या शैतानी कर रहा है। तो बस ये शैतानी अंजाम दी जा रही थी। और फिर वही वाली बात है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब चोरी इन द सेंस कि पहले तो इतना सारा ये लिबा की बच्ची ने किया है गंदा, और उसके बाद देखना आप इसकी हरकत देखना कि क्या करेगी। मतलब वैसे बच्चे कहते हैं, इनके दादी दादू कहते हैं कि इनमें अकल नहीं है, छोटे मासूम में कहती हूँ पापा इसमें बहुत अकल है, बहुत दिमाग है इसके अंदर, लेकिन पापा नहीं मानते। पापा कहते नहीं वो अभी बहुत छोटी है, उसे कुछ नहीं पता। मैं कहती हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी ना मैं इसको झाड़ू दिखा रही हूँ, निकल यहाँ से। मैं आज इसे भगाने लगी हूँ कि मैं उसको बार बार सेट कर रही थी और वो बार बार उठा के पीछे फेंक रही थी, तो मैंने इसे भगाया। तो अब ये देखो, अब इसके पापा आ गए, तो ये कैसे कानों में कानाफूसी कर रही है। यहाँ पर चल रही है मेरी बुराइयाँ, ये देखो ये कान में जा जा के। अब तो जैसे मैंने कैमरा ऑन कर लिया ना, तो थोड़ी सी शाय फील कर रही है, वरना मैं अंदर झाड़ू लगा रही थी तो इसके पापा आके मुझसे आवाज़ लगा के कहते हैं देखिए क्या कह रही है कान में, कुछ 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 ऐसे करके कह रही है। और ये कहती है कि मम्मा मार रही हैं पापा, मम्मा मार रही हैं। तो पापा से बहुत सारी मेरी शिकायतें, देखो कितनी मेरी शिकायतें लगाई जाती हैं दिन भर की, पापा से दादू से सब से मेरी शिकायतें लगाई जाती हूँ। उनके दादू तो ये कहते हैं कि जब तू डांटती है ना बच्चों को तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चे इन्हें मत डांटा कर, इन्हें मत मारा कर। मैं कई बार मार भी देती हूँ भाई, मैं हूँ थोड़ी थोड़ी सी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हूँ मैं थोड़ी सी वो, कि जब बच्चा हद से ज़्यादा शैतानी करता है तो हल्का फुल्का एक हाथ पड़ भी जाता है। तो खैर यहाँ पर बन के हो गया हमारा खाना रेडी, और ये थाली बन रही है पापा जी की। तो यहाँ मैंने कड़ी निकाल दी थी, रोटी निकाल दी थी, तो अब मुझे लगाना था इसके ऊपर घी। और मैंने आपको पहले बताया मैंने स्टैंड ही निकाला हुआ था, बस फिर मैंने मम्मा से कहा मम्मा आप लगाओ, तो बस यहाँ पर मम्मी लगा रही है घी। और चावल भी बने हुए थे, चावल एक्चुअली दिन के ही बने हुए थे, तो बस वो भी इसके अंदर रख देंगे और यहाँ पर हमारा खाना हो जाएगा। और खाना खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और वो खाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है जो सबके साथ खा जाता है। अच्छा काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं आप लोग दस्तरखान पे नहीं खाते, तो हाँ नहीं खाते भाई, यहाँ पर रिवाज ही है, चलन ही है, सब अलग अलग ही खाते हैं और थालियों में कर करके खाते हैं। तो बस इस तरह से फिर हम भी उसी रंग में ढले हुए हैं और हम भी ऐसे ही करते हैं। खा पी के अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और बस ये आ रहे हैं बाइक पर आते ना हम, तो बाइक ये पीछे पार्क कर कर आते हैं, तो ये आ गई हैं इनकी लाडो रानी इनकी गोदों में। तो बस अब हम जाएंगे, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा। मैं ना हैट्रिक बोल देती हूँ, हेक्टिक रहा, हाँ आप लोगों ने ही करेक्ट किया है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पापा की शॉप है, ये देखो यहाँ पर दरवाजे पर लिख दिया, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगवाए थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो बंदर है वो कोई बैनर नहीं, बस वो जो आप बोर्ड लगाओगे ना वो तो भले ही बच जाए, बैनर किसी भी तरह का बचने नहीं देते हैं, उस पर झूल झूल के उसे फाड़ डालते हैं। बंदरों का तो बहुत ज़्यादा आतंक है सासनी में, तो इस वजह से फिर दरवाजे के ऊपर ही लिख दिया, क्योंकि पापा की बहुत पुरानी और बहुत मानी हुई शॉप थी यही जो नीचे है ना। अब ये भैया की हो गई, ये जो शटर आपको दिख रहा है ना, अब ये भैया की हो गई है रेडीमेड गारमेंट की। तो बस फिर पापा की ऊपर वाली हो गई है, और उसके ऊपर हो गया है हमारा वाला रूम। बस अब हम चलते हैं और घर के लगा लेते हैं दरवाजे, बंद कर लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना,
हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी सबसे ज़्यादा मतलब हालत ख़राब ये जो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में होती है, मैं कई बार मम्मी से कहती हूँ मम्मी मेरा मन करता है मैं बस यहाँ से उड़ूँ और हेलीकॉप्टर आराम से सीधा जाके वहाँ पर लैंड हो जाऊँ। काश कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चढ़ना उतरना आने जाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। पर चलो कोई बात नहीं है, अपने मम्मी पापा के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं, और अब आप हमें भी एक्सक्यूज़ कीजिए और अब हमें सोने दीजिए। सोना तो क्या है, अभी बच्चों के बहुत सारे काम है, इनका दूध गर्म करना है अभी जो घर से लाई हूँ, फिर इनको दूध करके देना है, फिर अपना स्किन केयर करना है, ये इन सब कामों में अभी मुझे आधा घंटा और लगना है, उसके बाद मैं जाऊँगी सो। तो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।